विपक्ष की शिमला मीटिंग से पहले ही अखिलेश ने कर दिया खेल। भाजपा से आगे निकली सपा यूपी की 50 सीटों पर कर दी मोर्चेबंदी। 2024 लोकसभा के लिए सपा की किले बंदी से बीजेपी हैरान। अखिलेश इन दिनों एक एक लोकसभा सीट के लिए उस इलाके के कई नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाकर मिल रहे हैं और उनसे सीट के मूड, माहौल और कैंडिडेट पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। नेताओं की माने तो अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो चुके हैं। हाल ही में उन्होंने नारा दिया था कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ, जिसकी तैयारी समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। यूपी में सपा और आरएलडी का गठबंधन पहले से ही है, जिसके नेता जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। खुद अखिलेश कन्नौज से तो आजमगढ़ से चाचा शिवपाल ताल ठोक सकते हैं। एक एक सीट पर मोर्चा बंदी में जुटी सपा सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव ने यूपी की 80 में से 50 ऐसी लोकसभा सीटों को चुन लिया है जिस पर किसी किंतु परंतु के गठबंधन के बावजूद भी सपा ही लड़ेगी। इनमें कई सीटों पर अखिलेश ने कैंडिडेटों का नाम भी मन में फाइनल कर रखा है और कुछ सीटों पर संभावित कैंडिडेटों को क्षेत्र में उतर जाने का इशारा भी दे दिया है। बीजेपी अभी कई स्तर पर सर्वे में लगी हुई है, जिसके जरिए वो हर सीट पर लोकसभा चुनाव का कैंडिडेट चुनेगी। एक सर्वे बाहरी एजेंसी कर रही है तो दूसरा सर्वे पार्टी के अंदर चल रहा है। बीजेपी टिकट देने या काटने में इन सर्वे से मिली फीडबैक को आधार बनाएगी। कैंडिडेट चुनने में बीजेपी में अभी वक्त है। वक्त तो सपा में भी है, क्योंकि घोषणाएं नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अखिलेश ने उम्मीदवारों को इशारा करना शुरू कर दिया है। इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।